प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाते हुए भारत के विभिन्न प्रांतों की मशहूर अद्भुत हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री के लिए आज जिले के जुबली कॉलेज मैदान में मिर्जापुर शिल्प मेला की शुरुआत हो गई है। कोरोना के चलते इस बार खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इस प्रदर्शनी में फर्नीचर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेराकोटा, चीनी मिट्टी आदि से बने उत्पाद बेचने के लिए लाए गए हैं। इस बार कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आने वाले सभी ग्राहकों के लिए थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सैनिटाइजर के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। किसी दुकान पर 2 से अधिक ग्राहकों को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। शिल्प मेले के संचालक नफीस मलिक ने बताया कि बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है। साथ में ये भी बताया कि प्रदर्शनी आज से शुरू होकर आगामी 30 नवंबर तक जारी रहेगी। आप सभी जनपद वासियों से आग्रह है कि अपने स्वदेश की बनी हुई वस्तुओं को लेकर लोकल फॉर वोकल योजना को साकार बनाएं। उर्मिला तिवारी। उर्मिला जी, कौन सा मेला लगा हुआ, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? ये हाँ, जुबली के इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा हम लोग किए हैं। कितने आइटम यहाँ पर हैं, कितनी दुकान लगाई गई हैं, क्या है? यहाँ कम से कम 25-30 दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ में कॉटन की कुर्ती है और दूध के सामान है। कारपेट को लेकर क्या है, कारपेट कहाँ का फेमस है? कारपेट में है जैसे सहारनपुर का हुआ और यहाँ मिर्जापुर का हुआ। कहीं कब तक चलेगा ये? 20-30 तक। फैजान जी, आज आप शिल्प मेला में आए हुए हैं, कौन सा मेला लगा, कितने वर्षों से लग रहा है, क्या विशेषताएं हैं यहाँ पे, क्या खरीदे हैं आप? जी, हमने तो अभी जैकेट खरीदा है। वैसे ही मेला बहुत अच्छा है और हर साल ये मेला लगता है, ये शिल्प मेला। और यहाँ पे जितनी भी सामानें वगैरह हैं सब एक अच्छे एक क्वालिटी की, एक नंबर की है सारी। मैंने अभी जैकेट खरीदा है, अभी दूसरे स्टॉल पे मैं जाऊँगा, फिर देखूँगा क्या लिखा है। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे जितने भी सामान वगैरह हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी, एक नंबर। कालीन भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाती है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, कालीन वगैरह भी देखे हैं, सारी चीज़ें देखे हैं, इनकी सब चीज़ मिलने में बहुत अच्छी चीज़ है सारी। दस्तक भारत के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की खास रिपोर्ट।